एक शिकारी कम्युनिटी पन्ना में रहती है जिसको पारधी बोलते हैं। तो ये पारधी की जो समस्या रही है कि ये परंपरागत रूप से शिकार करने वाली समाज रहा है और वे अपने पेट के लिए, अपने उदर पोषण के लिए सदियों से इस वन्य जीवों के ऊपर इनका जीवन निर्भर रहा है। जब जंगल में रहते थे तो शेर मारते थे, भालू मार देते थे, रीछ मार देते थे, तिंदुआ मार देते थे। अब किसी का भी मांस मिलना तो खाना ही था, हम लोग जंगली आदमी थे। हम लोग के आजा पुरखा सब जंगली से काम उज थे, वो जंगली में होता रहा। तो हम लोग का बचपन था बिल्कुल ऐसे ही, चलते फिरते घूमते रहते, हर देश में जाते रहे, कोई देश बाकी नहीं। पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था हम लोग के समाज वाले के लिए कि पढ़ाई में क्या होता है, कैसा बढ़ता है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं था। पारधी समाज जो घुमक्कड़ समाज है, एक ही जगह रहता नहीं है, अलग अलग जंगलों में इनके अलग अलग डेरे हैं। उस स्थिति को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इनको एक समुदाय से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई 2007 में। उन तक पहुंचना, उनको ढूंढना और उनके माध्यम से उनके बच्चों को शिक्षा के पहले चरण में शिक्षा से जोड़ना, ये एक हमारा लक्ष्य रहा है। समझ लो जंगल में तो जंगली लोग जैसे रहते थे हम लोग, वैसे फिर हम लोग को हॉस्टल में एक नई जिंदगी का आरंभ किया। जैसे हम लोग को सुबह उठना सिखाया वो लोगों ने, ब्रश मंजन करना सिखाया, हम लोग से ये सब पता नहीं था। फिर नहाना सिखाया कि कैसे अच्छे से नहाना पड़ता है। फिर हम लोग को कपड़े अच्छे अच्छे पहनाना सिखाया, जंगल में अब फटे पुराने कपड़े पहनते थे, फिर हम लोग को वो सब सिखाया। और सुबह से पढ़ना, फिर सुबह रिमेडियल टीचर आते थे, वो लोग पढ़ाते थे, फिर नाश्ता होने के बाद रिमेडियल टीचर, उसके बाद फिर खाना खाते थे 10 बजे। खाना खाने के बाद सीधा स्कूल जाते थे हम लोग। जो हमारी एक सस्टेनेबल मेहनत थी, एक लगत 10-15 सालों से उनके साथ उनके जुड़ के और उनके बच्चों को शिक्षित करने का जो प्रयास रहा है, इस प्रयास में कोरोना वायरस ने एक बहुत ही बड़ा आघात पहुंचाया है। इस हॉस्टल में सर रात में 11 बजे तक है, कोई आदमी आसपास के सोते नहीं थे। इतना हलचल मचा रहता था, इतना हंगामा एकदम धमकता था बहुत। तो हम लोग को भी अंदर से खुशी होती कि हमारे बच्चे तो है। इस माहौल में लगातार हॉस्टल बंद रहे तो ऐसे बहुत से खबर आई कि बच्चे जो है वो या तो माँ बाप के साथ दूसरे प्रदेशों में माइग्रेट कर गए लॉकडाउन के बाद, और दूसरा बहुत से ऐसी बच्चियां रही हैं जो उनके लिए वो कहीं विवाह से और मैरिज से बंध गई हैं। तो अब दोबारा उनको शिक्षा से जोड़ पाना, मुझे लगता है कि एक हमारी एक लंबी मेहनत का जो मेहनत रही है उसमें बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमें फिर से एक से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। ये जो कोरोना वायरस COVID-19 आया तो इस समाज के लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है समय। क्यों? क्योंकि एक लंबे प्रयास के बाद हमने इनको हंटिंग से गिवअप कराया था और उनको एक दूसरे रोजगार की तरफ जोड़ा था, जैसे चूड़ी कंगन मनिहारी का सामान बेचना और जो आर्थनोमेंटल जड़ी बूटियों को बेचना। तो इनका व्यवसाय ज़्यादातर घूम घूम के रहता है, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे, बस स्टैंड, इस तरह गांव शहरों में घूम के अपना व्यवसाय कर रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। लॉकडाउन जब सर लगा COVID-19 के कारण, सर जब मैं घर आया वहाँ पर होली का करीबन समय था, आज से 11 महीने पहले, तो
तो 15 दिन तक तो मतलब जैसे तैसे मैनेज किया। इसके बाद सर दिक्कतें आने लगी, 7-8 घर और एक आदमी खर्चा चलाने वाला तो नहीं कर पाता सर, मम्मी पापा और हम लोग 9 भाई बहन हैं। तो सर 15 दिन के बाद हमें अंदर से और मम्मी पापा को भी लगने लगा कि हम कैसे अपने बच्चों का खर्च चलाएं। स्कूल बंद हो गया, बच्चा घर में बैठ गया तो कहाँ से करके खिलाएगा, खेती तो था नहीं तो खेती से ला के खिलाएगा। अब एक महीने में 5 किलो गेहूँ आता है तो किसी का तो राशन है तो किसी का है ही नहीं है। तो देखो एक महीने का गल्ला तो अब 12 महीना का कोरोना में नहीं पहुँच पाएगा ना। ऐसे ऐसे हम लोग को बहुत भी तकलीफ हुआ। रात के 12 बजे तक हम लोग खाने पीने नहीं मिला तो महुआ चरवा बीनने के जाते थे, सब रीझ भालू दौड़ पड़ते थे खाने के लिए तो उसके बारे हल्ला करके भगाते थे। कम से कम नहीं रात के 12 बजे हम लोग जाते थे महुआ बीनने के लिए। ये नहीं कि शेर खा जाया तिंदवा खा लेंगे भालू खा लेंगे, उससे कोई डर भी नहीं था क्योंकि पेट उस तपा भी रहता भूख के लिए, ना बीनेंगे तो खाने को क्या मिलेगा। महुआ बेच के लाते थे, उसका आटा पिसान ले आए तो उससे रोटी बना के खिलाते थे। ऐसी पुरानी दिक्कत बहुत काटी हम लोगों ने और भाई लोग को पैसा किसी को मिला किसी को नहीं मिला। जिसका राशन कार्ड उसको 500 रुपये मिलता था, जिसका राशन कार्ड नहीं तो उसको कुछ नहीं मिलता था। मांगने जाते थे गांव में तो वो लोग बोलते हैं कि गांव में हम लोग को कोरोना की वजह से हम लोग को तो खाना नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, तो तुमको कहाँ से देंगे। ऐसे में हम लोग कुछ कुछ घर का सामान ये माला उदरास था जैसे करके हम लोग दिवाली तक बेचा थोड़ा थोड़ा, जैसे खाने भर के जोड़ने को कोई चीज नहीं, थोड़ा पेट चलाने के लिए जैसे वैसे चलाया। दिवाली में दुकान खुला, दिवाली में चूड़ी कंगन उठाया तो अभी बेच रहा था, वो भी बहुत महंगा चीज है, ऐसा नहीं उसमें खाली हम लोग को 5 रुपये का फर्क मिलता है। मानो 10,000 का मिला तो 1,000 रुपया हम लोग को उसमें मिलता है। ऐसे करके हम चूड़ी भी बेच रहे, फिर से बोला लगा नहीं, अभी फिर लॉकडाउन लग रहा है। अब बोला लॉकडाउन लगेगा, यहाँ चूड़ी भी नहीं मिलेगा, सब जगह लग जाएगा, वो हम लोग घर भी नहीं पहुँचेगा। फिर हम लोग और आपस सब भाग के जमा हो गया। अब भगाया, चूड़ी भी वहीं से रखा है, सामान भी वहीं से रखा है, खाने पीने का कोई चीज़ नहीं रही, थोड़ा लाया है उसी में कपड़ा उन्ना लेना, उसी में तेल साबुन, उसी में सब चीज़ करना है, तो पैसा किधर रुकेगा। हमारे से मैं सोच रहा हूँ, मुझे वेतन मिल रही है सर, तो मेरी वेतन मुझे नहीं पूछ रही है कि एक महीने में साला डबल भी पैसा खर्च हो रहा है। तो हम ये सोचते कि सब मैं मुझे हर महीने वेतन मिलती है, वो वेतन में नहीं पूजा पा रहा हूँ तो वो लोग कैसे पूजा रहे, वो कैसे रह रहे होंगे, बहुत समस्या है सर। डर ये था कि दोबारा ये जंगल की तरफ वापस ना हो जाए, जो हमारा लगातार प्रयास जंगल से दूर करने का रहा है, ऐसा ना हो कि भूख के कारण वो किसी फिर से जंगल जाके किसी जंगली जानवर को मार के अपना पेट भर सके। सरकार ने जब से कसम खिलाया था कि ये शेर चीता जानवर मारना बंद कर दो, तुम जो योजना मांगोगे हम देगा, उसके चलते में हम लोग को यहाँ आने को 16-17 साल है, आज भी हम लोग ने किसी जानवर को टच नहीं किया। हम झूठ नहीं बोले, शिकार की टेम पर हम लोग इतना परेशान नहीं लिया, भले हम लोग का साफ सफाई नहीं था पे बच्चे लोग हरसते नहीं थे, मानो कुछ नहीं है तो कुछ शिकार करके भी उस लोग को खिला देते थे, पर अब ऐसा बंदा है कि हम लोग का कोई हाथ पैर का बस नहीं है। ऐसे में आदमी एक द्वार समझेगा, दो द्वार समझेगा, ऐसे में आदमी कटला कोई के बस में आएगा। जब तुमसे जगह मांगता तो जगह से इनकार कर देते हो, कोई धंधा मांगता धंधा से इनकार कर देते, एक चीटी पर लात रखता वो भी तो काट देता है ना। जब हम लोग को पेट को नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करके खाएगा।